नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉ गुरु में। मैं अनुराग ऋषि और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जनरेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स की, या फिर ये कहें क्लासिफिकेशन या फिर काइंड्स ऑफ ह्यूमन राइट्स की। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए लॉ गुरु। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जनरेशंस ऑफ ह्यूमन राइट की अगर हम बात करें तो ह्यूमन राइट्स की जनरेशन को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला, फर्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जिसको इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के नाम से भी जानते हैं। वहीं अगर बात करें तो सेकेंड जनरेशन की, जिसको हम इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स के नाम से भी जानते हैं। और अगर हम थर्ड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की बात करें तो इसको हम कलेक्टिव राइट के नाम से भी जानते हैं। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की, यानी कि इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स की, जिसको हम शॉर्ट में ICCPR भी कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। द ICCPR इज पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स अलॉन्ग विद द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स UDHR। यानी कि इंटरनेशनल जो कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स है, ये इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स का पार्ट है UDHR के साथ साथ, यानी कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के साथ साथ ICCPR भी इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स का पार्ट है। ICCPR इज मॉनिटर्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमेटी। अब बात करें ICCPR की मॉनिटरिंग की, तो इसको मॉनिटर करता है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमेटी। इस कमेटी के बारे में हमने पहले भी बात की है कि इस कमेटी का फॉर्म कैसे होता है। तो इस कमेटी का फॉर्म ECOSOC के द्वारा होता है, जो हमने लास्ट वीडियोज में पढ़ा है। आगे बात करते हैं, इट हैज़ इट्स रूट इन द सेम प्रोसेस दैट लेड टू द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। यानी कि इसका जो जन्म हुआ है, उत्पत्ति हुई है, इसकी जो जड़ है वो उसी तरीके से है जैसे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का हुआ था। पर चूंकि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स लीगली इफेक्ट नहीं रखता था पार्टीज़ के ऊपर, इसीलिए इंटरनेशनल कोवेनेंट को लाना पड़ा ताकि के पार्टीज़ के ऊपर बाइंडिंग इफेक्ट रख सके, और अगर किसी के राइट्स का वॉयलेशन होता है तो वो लीगली इन्फोर्स कराया जा सके। चलिए अब बात करते हैं हम इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स की। इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट वॉज अडॉप्टेड ऑन 16 दिसंबर 1966 एंड केम इनटू इफेक्ट ऑन 23 मार्च 1976। यानी कि जैसे हमने पिछली वीडियो में बताया था कि 16 दिसंबर 1966 में ICCPR को अडॉप्ट किया गया था बाई जनरल असेंबली ऑफ UN, पर ये इफेक्ट में कब आया? 23 मार्च 1976 में। अगर हम ICCPR की बात करें या इस कोवेनेंट की बात करें, तो इस कोवेनेंट में प्रीएम्बल के साथ साथ 53 आर्टिकल शामिल हैं, जिसको 6 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पार्ट 1, 2 और 3 जो बात करते हैं अलग अलग तरह के राइट्स की और फ्रीडम की बात करते हैं। वहीं अगर बात करें पार्ट 4, 5 और 6 की, तो उन राइट्स का जो इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस है या प्रोसीजर है उसके बारे में बताते हैं पार्ट 4, 5 और 6। आइए इन पार्ट्स को हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। तो हम देखते हैं 6 पार्ट्स ऑफ ICCPR। पार्ट 1 की अगर हम बात करें तो इसमें आर्टिकल 1 से 3 और आर्टिकल 5 शामिल हैं, जो जनरल प्रोसीजर की बात करते हैं। इसी में राइट्स ऑफ पीपल्स सेल्फ डिटर्मिनेशन के बारे में बताया गया है, और बताया गया है इक्वल राइट ऑफ मैन एंड वुमेन के बारे में, यानी कि इन राइट्स के जनरल प्रोविजन के बारे में बताया गया है इन आर्टिकल्स में। चलते हैं पार्ट 2 की तरफ, जिसमें आर्टिकल 4 को शामिल किया गया, यानी कि राइट इन एमरजेंसी। इस आर्टिकल में बताया गया है कि अगर कोई एमरजेंसी लग जाती है या एमरजेंसी लगाई जाती है तो पीपल्स के राइट का क्या होगा। तो इसमें बताया गया है कि कुछ राइट्स जो हैं वो सस्पेंड कर दिए जाते हैं अगर कोई भी एमरजेंसी के प्रोविजन आते हैं या कभी एमरजेंसी लगाई जाती है तो। अब चलते हैं आगे की तरफ, यानी कि पार्ट 3 की तरफ, जिसमें आर्टिकल 6 से लेकर 27 तक शामिल किए गए हैं, और ये आर्टिकल्स बताते हैं सब्सटेंटिव राइट्स के बारे में। दोस्तों, इन्हीं आर्टिकल में बताया गया कि नो वन शैल बी आर्बिट्रेरी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ, यानी कि किसी की लाइफ को आर्बिट्रेरी छीना नहीं जा सकता। फिर आगे बताया गया, सेंटेंस ऑफ डेथ मे बी इम्पोज्ड ओनली फॉर दी मोस्ट सीरियस क्राइम्स। यानी कि इन आर्टिकल में बताया गया है कि सेंटेंस ऑफ डेथ जो है वो सीरियस ऑफेंसेज जो होंगे, क्राइम्स होंगे, उसमें ही दी जाएगी। आगे लिबर्टी ऑफ मूवमेंट एंड फ्रीडम की बात करी गई है इन्हीं आर्टिकल में, और इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात भी इन्हीं आर्टिकल में की गई है। अब हम बात करते हैं पार्ट
चार की, जिसमें आर्टिकल 28 से लेकर आर्टिकल 45 तक शामिल हैं। दे प्रोवाइड्स द प्रोसीजर फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द राइट्स विच विल बी मॉनिटर्ड बाई ह्यूमन राइट कमेटी। इसका मतलब इन आर्टिकल्स में, आर्टिकल 28 से लेकर 45 में बताया गया है कि किसी के पास जो राइट्स हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे कराया जाएगा, उस प्रोसीजर के बारे में बताया गया है इन आर्टिकल्स में। और इसमें यह भी बताया गया है कि जो प्रोसीजर होगा वो मॉनिटर किया जाएगा ह्यूमन राइट कमेटी के द्वारा। अब बात करते हैं पार्ट 5 की, जिसमें आर्टिकल 46 और 47 शामिल हैं। ये आर्टिकल कहते हैं कि क्लैरिफाइज दैट द कोविनेंट शैल नॉट बी इंटरप्रेटेड एज इंटरफियरिंग विद द ऑपरेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस और द इनहेरेंट राइट ऑफ ऑल पीपल्स टू इंजॉय द यूटिलाइज फुल्ली एंड फ्रीली देयर नेचुरल वेल्थ एंड रिसोर्सेज। इसका मतलब ये आर्टिकल जो है वो क्लैरिफाई करते हैं कि जो कोविनेंट है वो इंटरप्रेट नहीं किया जाएगा यूनाइटेड नेशन के द्वारा, यानी कि जो राइट्स इसमें दिए गए हैं वो पीपल्स के द्वारा फुल्ली इंजॉय किए जाने चाहिए बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी इंटरप्रिटेशन के। अब चलते हैं पार्ट 6 की तरफ, यानी कि पार्ट 6 की तरफ, जिसमें आर्टिकल 48 से लेकर आर्टिकल 53 यानी कि लास्ट आर्टिकल्स शामिल हैं, जो डील करते हैं फॉर्मेलिटीज़ ऑफ द रेटिफिकेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कोविनेंट, यानी कि कोविनेंट के रेटिफिकेशन और इम्प्लीमेंटेशन की बात की गई है इन आर्टिकल्स में। तो दोस्तों ये थे 53 आर्टिकल्स ऑफ द कोविनेंट, जिनको हमने 6 पार्ट में करके इजीली समझा और जाना। अब हम बात करते हैं कि ICCPR का ऑब्जेक्ट क्या था और इस ICCPR को लाने की जरूरत क्या पड़ी, इसका पर्पस क्या था। तो पहला इसका ऑब्जेक्ट था टू प्रमोट कंडीशंस विद इन स्टेट टू अलाउ द एंजॉयमेंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, यानी कि सिविल और पॉलिटिकल राइट्स को इंजॉय करवाने के लिए इस कोविनेंट को लाया गया। दूसरे अगर इसके हम ऑब्जेक्ट की बात करें तो प्रोवाइड एन इफेक्टिव रेमेडी, यानी कि जिस व्यक्ति के राइट्स का वॉयलेशन हुआ है उसको इफेक्टिव रेमेडी प्रोवाइड कराने के लिए इस कोविनेंट को लाया गया। और लास्ट इसका जो ऑब्जेक्ट है, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि राइट्स की बात तो UDHR में भी की गई है, वहाँ पर भी राइट्स रखे गए थे और वो भी सेम राइट्स दे रहे थे जो ICCPR और ICESCR प्रोवाइड करवाते हैं, पर ये एक ऑब्जेक्ट था इन कोविनेंट्स को लाने का टू क्रिएट बाइंडिंग इफेक्ट। यानी कि दोस्तों UDHR जब लाया गया था तो उसका बाइंडिंग इम्प्लीमेंटेशन नहीं था, उसका लीगल इफेक्ट नहीं था। अगर किसी का राइट्स वॉयलेट हो जाते थे तो UDHR उस पर बाइंडिंग इफेक्ट नहीं रख सकता था, पर जो कोविनेंट्स हैं वो बाइंडिंग्स हैं इसके मेंबर्स पर। अगर कोई मेंबर किसी के ह्यूमन राइट्स को वॉयलेट करता है तो उस पर लीगल इम्प्लीमेंटेशन कराया जा सकता है, उसके राइट्स को लीगल इन्फोर्स कराया जा सकता है। अब बचता है लास्ट पॉइंट इस वीडियो का, यानी कि लीगल इफेक्ट ऑफ द कोविनेंट, यानी कि इस कोविनेंट का लीगल इफेक्ट क्या है और कितना है। तो इस कोविनेंट के, यानी कि ICCPR के आर्टिकल 2 में बताया गया कि ईच स्टेट पार्टीज अंडरटेक्स टू अडॉप्ट सच लेजिस्लेटिव मेजर्स विद इन देयर डोमेस्टिक ज्यूरिडिक्शन एज मे बी नेसेसरी टू गिव इफेक्ट टू द राइट्स लिस्टेड इन द कोविनेंट। एंड पैरा 3A ऑफ द सेम आर्टिकल प्रोवाइडेड दैट दे शैल प्रोवाइड एन इफेक्टिव रेमेडी If the violation has been committed by persons acting in an official capacity, यानी कि International Covenant on Civil and Political Rights के Article 2 में बताया गया कि जितने भी इसके members हैं वो अपने अपने domestic level पर, domestic jurisdiction में human rights की provision रखेगी जितने उनके necessary होंगे उस हिसाब से। और इसी के पैरा 3 में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी के human rights का violation करता है तो उस पर legally binding effect रखा जाएगा और जिसके राइट्स का वॉयलेशन हुआ है उसको इफेक्टिव रेमेडी प्रोवाइड कराई जाएगी। तो इन आर्टिकल से क्लियर हो गया कि ICCPR अपना लीगल इफेक्ट रखती है और ICCPR का लीगल इन्फोर्स कराया जा सकता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जाना कि वो कौन से 3 जनरेशन्स हैं ह्यूमन राइट्स के, उनमें से हमने एक के बारे में बात की। अपनी अगली वीडियो में हम बात करेंगे 2nd जनरेशन की, यानी कि इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स के बारे में। दोस्तों इस वीडियो के नोट्स का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप चाहें उस लिंक पर क्लिक करके उन नोट्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं। हमारी वीडियोस पर कमेंट करके जरूर बताएं कि वो कौन सा पॉइंट है जो आपको समझ में नहीं आया है, कौन सी पॉइंट है जो आप हमसे जानना चाहते हैं। हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।